मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग अब कैपेसिटर करेंगे, सो हम लोग कैपेसिटर को आगे करते हैं। अपना अगला टॉपिक कैपेसिटर ही है। सो कैपेसिटर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट आता है, व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर है क्या। हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर को क्या है उसको पढ़ेंगे। सो देखते हैं कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर। सिंपली कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो आइसोलेटेड कंडक्टर से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस को प्रूफ करने के लिए एक कंडक्टर लेंगे जिसमें चार्ज भी है और इसके इनसाइड पे प्लस प्लस का क्यों चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज है। सबसे पहले हम लोग लेटेस्ट कंसीडर अ चार्ज क्यू इज गिवन टू अ कंडक्टर, इट स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, देन द पोटेंशियल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इसके डिफिनेशन के अनुसार ये पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। वी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आपका, वी इज इक्वल टू 1/cq। और यहां से अपना नेक्स्ट लाइन में आया, क्यू इक्वल टू cv। ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल गया। सो यहाँ पे जो ये सी है वो सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सी जो है यहाँ पे वो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है। और ऐसा यूनिक ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फेराइट। ऐसा यूनिक जो कैपेसिटेंस का है वो फेराइड है, जिसको आप लोग 1F से भी डिनोट कर सकते हो या सिंपली आप लोग फेराइड भी लिख लो। अगली तो, और अगला पॉइंट जो है वो 1F इज इक्वल टू 1 फेराइड इज इक्वल टू 1C/V इज इक्वल टू 1 कूलम ऑब्लिक वोल्ट। सो आप लोग नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना है वो हम लोग ये देखेंगे कि कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड्स करता है, कौन से ऐसे वैल्यू है जो कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं। सो देखेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस साइज और शेप जो कंडक्टर का रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट अपना है, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग अनदर कंडक्टर नियर टू इट। आप इसे बढ़ा सकते हो, बढ़ाने का जो रूल होगा वो आपका होगा कि मतलब एक कंडक्टर के नजदीक आप दूसरा कंडक्टर ले आओ तो आपका जो ये है खुद ब खुद ये इंक्रीज कर जाएगा कैपेसिटेंस। तो ये इसके दूसरे रूल है मतलब कैपेसिटेंस को बढ़ाने का। और थर्ड रूल है ये, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सो ये इसके रूल्स हो गए कि कैपेसिटेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है। सो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसे निकालते हैं। सो देखिए क्वेश्चन, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ऑल प्लेक्सिस सेम, हर एक प्लेक्स पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा। और दूसरी बात ये है कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा। सो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c कैपेसिटेंस। सो v1/v2 इज इक्वल्स टू c2/c1। ये अपना रिलेशन हुआ। अब अपने को जो फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सो हम लोग अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। सो सीरीज, सो हम लोग इक्वेशन फाइंड करने के लिए कुछ मान लेते हैं। आइए
two capacitors C1 and C2 are connected in series between potential differences V1 and V2. Now then, V is equal to V1 plus V2. और यहाँ पे चार्ज यहाँ का Q है, यहाँ का भी Q है. So Q by C equipotential is equal to Q by C1, V is equal to V1 plus V2. Q by C equipotential is equal to Q by C1 plus Q by C2. और नेक्स्ट लाइन में जो अपना है 1 by C equipotential is equal to 1 by C1 plus 1 by C2, because V is inversely proportional to 1 by C. So V1 by V2 equals to C2 by C1. So अपना जो रिलेशन आएगा वो आएगा 1 by C equipotential is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ये अपना एक्सप्रेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का ये अपना एक्सप्रेशन. यहाँ पे C equipotential ये जो है C equivalent capacitance है. और एक और पॉइंट इसमें है जो है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो ऑलवेज कम होगा एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से. सो ये इसके एक्सप्रेशन थे, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है. सो देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो है वो सेम होगा. और दूसरा पॉइंट जो है, चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के बराबर होगा, सम होगा उसका. सो क्यू इक्विपोटेंशियल इज इक्वल टू Q1 plus Q2. और क्यू इक्विपोटेंशियल का हम लोग लिख सकते हैं सी इक्विपोटेंशियल इंटू वी इज इक्वल टू C1V plus C2V. और नेक्स्ट लाइन में सी इक्विपोटेंशियल इज इक्वल टू C1 plus C2. ये अपना एक्सप्रेशन आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. ये अपना फिगर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने दो चार्ज लिए Q1 Q2 प्लस माइनस. ये C1 इसका नाम दिया, इसका नाम C2 दिया. ये तो आपका प्लस माइनस वोल्ट बैटरी का हुआ. और अगला फिगर है ये आपका प्लस माइनस सी की पोटेंशियल हो गया. और ये तो क्या बैटरी. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से. सो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये इक्वेशन आपका निकला. सी की पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 plus C2. नोट डाउन कीजिए स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी. सो हम लोग एनर्जी डेंसिटी का डिफिनेशन को देखते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं यू से. और इसका फॉर्मूला होता है U = 1/2 ε0 kE2. ये आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया. आप लोग नोट कर लिया, जीत लोगे. अब बच गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम. डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है. या तो आपसे पूछेगा स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, या आपसे पूछेगा डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों के प्रूफ जो है वो सेम ही है. सो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं. गॉस थ्योरम का जो डिफिनेशन है वो है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 ε0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड द सरफेस. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए,
और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होना चाहिए, वो जो है वो इक्वल होगा 1/α0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, या कंडक्टर के इनसाइड के चार्ज का। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था फाई से इसे डिनोट करते हैं, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय α0। अब प्रूफ की बात करते हैं, गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। सो आइए गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने कुछ माना है। लेट अस कंसीडर, लेट अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस एज शोन इन फिगर। ये एक सरफेस है जहां पे प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। ये जो सरफेस है ये आपका क्लोज्ड है, ये आपका प्लस चार्ज हुआ, ये ओ आपका पॉइंट है और इसके बीच का डिस्टेंस है। इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये आपका पॉइंट P हुआ, यहाँ एक एंगल बनाएगा जो थीटा है और इधर डायरेक्शन होगा जो E cos थीटा इसका डायरेक्शन हुआ। सो ये तो जैसे की बात थी, लेकर चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O इनसाइड अ क्लोज सरफेस एज शोन इन फिगर। फिगर में मैंने दिखला दिया है, ये तो फिगर से क्लियर ही हो गए। और अपना अगला स्टेप जो होगा वो K का स्मॉल सरफेस dA एट पॉइंट P डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट P। एक छोटा सा सरफेस हम dA लेंगे एट पॉइंट P पे और उसके बीच का डिस्टेंस R होगा। सो ये जो डिस्टेंस है ये दैट इज कॉल्ड dA, छोटा सा डिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा, ये दैट इज कॉल्ड dA। R डिस्टेंस पे आपका होगा ये एट पॉइंट P पे है, डिस्टेंस R है आपका, ये दैट इज ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा है ये dA। सो E इक्वल टू 1/4πε0 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, q बाई r का होल स्क्वायर। ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। सो नॉर्मल कंपोनेंट की बात आई तो हम लोग देखेंगे यहाँ नॉर्मल ने जब फोर्स लगाया तो अपना डायरेक्शन किधर गया था, E cos थीटा, cos थीटा का एंगल था ना। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E cos थीटा, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो E cos थीटा में है। सो E cos थीटा इक्वल टू सेम एज इट 1/4πε0 q/r² एज हमने एंगल जो है वो E cos थीटा लिया है, तो एंगल जो आपका है वो cos थीटा ही आ जाएगा। यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट का प्रूफ अभी बचा पड़ा है वो फिर करते हैं। अपना जो गॉस थ्योरम में प्रूफ करना था उसका अगला पार्ट हमने प्रूफ किया था और बचा पड़ा है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस dA, एज मैंने फिगर में दिखाया था वो स्मॉल डिस्टेंस था dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d phi, वेयर phi इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E cos थीटा, E cos अपना एंगल था, इंटू dA दैट इज एरिया dA। नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन ऑफ d phi इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r² अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स स्टेटमेंट के। और एंगल जो है अपना यहाँ पे है, एंगल जो था वो cos थीटा में था, तो cos थीटा dA। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ d phi इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r² की जगह पे, क्योंकि dQ इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इज इक्वल टू dA cos थीटा बाय r का होल स्क्वायर। सो q dA cos थीटा बाय r का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में अपना आएगा phi इक्वल्स टू 1/4πε0 dQ इज इक्वल्स टू सॉलिड एंगल इक्वल्स टू dA cos थीटा बाय r का होल स्क्वायर। सो अपना गॉस थ्योरम का फाइनल फॉर्मूला आएगा phi इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाय α0 दैट इज गॉस थ्योरम। So, ये प्रूफ था गॉस थ्योरम का, 5 नंबर में पूछा जाता है, ये बी क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, शॉर्ट क्वेश्चन में ये बी क्वेश्चन है। सो ये 5 नंबर के लिए गॉस थ्योरम है, सो नोट डाउन कीजिए इसको। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूजिंग गॉस थ्योरम, अभी हमने गॉस थ्योरम प्रूफ किया था, यूजिंग गॉस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है गॉस थ्योरम के हेल्प से। सो चलिए फर्स्ट पॉइंट अपना पॉइंट चार्ज पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड हॉलो स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है गॉस थ्योरम के हेल्प से अपने को निकालना है,
थर्ड जो है वो सॉलिड स्फीयर पे निकालना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम, और फोर्थ पॉइंट जो है चार्ज्ड रॉड पे निकालना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम, और पांचवा पॉइंट जो है चार्ज शीट पे निकालना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉसियन थ्योरम। सो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कुछ कंसीडर करते हैं, देख लीजिए। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज मान लो क्यू एट पॉइंट ओ एंड एट अ पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो सबसे पहले हम लोग फिगर क्लियर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ ओके एंड एट अ पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड, ये जो पी पॉइंट है इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सो क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। सिंपली दिखाई जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है पॉइंट चार्ज पे एट पॉइंट पी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ मानेंगे। सो चलिए कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस है आपका ये गॉसियन सरफेस है, क्योंकि गॉसियन सरफेस में गॉस का जो लॉ हो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली गॉसियन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस के लिए गॉसियन लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस अराउंड अ पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ है जहां पे अपने हमने चार्ज क्यू लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई वेक्टर, और आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, एरिया वेक्टर भी आगे की तरफ लगाएगा, दैट इज ए वेक्टर। ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज इक्वल टू एरिया वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एट पॉइंट पी, ये आपका पॉइंट पी नजर आ रहा होगा, जब यहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट चार्ज का। पॉइंट पी इज पैरेलल टू ईच अदर, आप देख रहे होंगे ये जो है पैरेलल टू ईच अदर है, ये पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों रेखाएं जो है आपस में पैरेलल है। सो ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, that is cos theta equals to cos 0. So now अगले स्टेप में closed integral of e vector into ds vector is equals to q inside by alpha naught, ये that is gauss law, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, ये gauss law, हमने gauss law को पहले लिखा है, gauss law के help से ही हम इसे प्रूफ करेंगे। सो गॉस लॉ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय अल्फा नॉट। सो अगले लाइन में क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डीएस अपना वेक्टर ऑफ द डीएस, और अपना ये जो एंगल जो आएगा वो कॉस थीटा आएगा। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय अल्फा नॉट। अगले स्टेप में ई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस इज इक्वल्स टू cos theta is equals to cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, so q inside is equals to 1 आ जाएगा। तो e को हमने बाहर निकाला, close integral of ds vector is equals to q by alpha naught, क्योंकि cos theta is equals to cos 0 है यहाँ पे इस फिगर से, so cos 0 is equals to 1, so e is equals to, फिर electric field अपना जो निकालेंगे वो होगा e into 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई अल्फा नॉट। अब इस स्टेप को हम निग्लेक्ट करेंगे। सो ई इज इक्वल टू के क्यू, चार्ज क्यू है तो ई और क्यू है ना, तो ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता ही है, तो ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकला एट अ पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला with the help of Gaussian surface या Gaussian law। So आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। ओके बहुत दिनों अपना दूसरा जो क्वेश्चन था वो हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विथ द हेल्प ऑफ Gaussian सरफेस। हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द हेल्प ऑफ Gaussian सरफेस। सो हॉलो स्फीयर के लिए लेटेस्ट कंसीडर, पहले हम लोगों को हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक हॉलो स्फीयर मानना है जिसका रेडियस आर हो एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्मली क्यू। ये जो चार्ज है प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज जो है वो क्यू है, ये तो हमने कंसीडर किया। और हॉलो स्फीयर में हमने
मेरा अपना दो दो केस बन जाता है। एक केस क्या बनेगा, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर, और दूसरा बनेगा व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड द स्फीयर। तो हम लोग पहले केस फर्स्ट को प्रूफ करेंगे, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर, या कि आर जो ये है, इधर आर है, लेकर आर से बड़े वाले आर से। सो कंसीडर, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ माना सो है, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, या कि गॉसियन सरफेस, ये जो है आपका गॉसियन सरफेस, पासिंग थ्रू पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है ऑफ रेडियस आर, रेडियस ये जो है आपका ये पॉइंट का आर है, अराउंड अ पॉइंट चार्ज हॉलो स्फीयर, या किस हॉलो स्फीयर, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। सो फिगर क्लियर कीजिए एक बार, ये जो ये आपका क्यू चार्ज है जो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस चार्ज से, ये आपका गॉसियन सरफेस, ये पॉइंट पी, इससे आगे एक और पॉइंट लिया गया है, दैट इज कॉइल पी, ये पॉइंट पी क्यों लिया गया, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये पी क्यों लिया गया, पी इसलिए लिया गया कि क्वेश्चन देखिए, हमने केस फर्स्ट क्या बनाया है, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो ये अगर यहां इससे अंदर लेंगे तो इनसाइड द स्फीयर आ जाएगा ना, इसी के लिए मैंने बाहर लिया। सो ये आउटसाइड द स्फीयर हमको निकालना है ना, तो ये पॉइंट पी यहां जो है, तो ये होल स्फीयर से बाहर की तरफ आ गया, आउटसाइड द स्फीयर, सो हमें यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अंदर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो चलिए आगे देखते हैं, नाउ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय अल्फा नॉट, दैट इज गॉसियन लॉ, जैसा कि मैं बता चुका हूं, गॉस लॉ अभी प्रूफ किया हूं, और इस बार हम लोग E को बाहर ले लेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल्स टू q बाय अल्फा नॉट, बिकॉज चार्ज जो है हमारा इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस चार्ज q, सो q बाय अल्फा नॉट, और अगले लाइन में E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो कि होल स्क्वायर का अपना एरिया होता है, वो इज इक्वल्स टू q बाय अल्फा नॉट, जैसा कि ऊपर था q बाय अल्फा नॉट सेम, और E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई अल्फा नॉट, दैट इज क्यू बाय आर का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्यू बाय आर का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट हमारा इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर इनटू ds वेक्टर इज इक्वल टू q इनसाइड बाय अल्फा नॉट, दैट इज गॉसियन लॉ, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, ये गॉसियन लॉ है, हम लोग गॉसियन लॉ के हेल्प से प्रूफ करेंगे होल स्क्वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E को हमने बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू बाई अल्फा नॉट, बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्मली इज क्यू, ई इंटू डीएस वेक्टर में होल स्क्वायर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, तो 4 पाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई अल्फा नॉट, अगेन आगे लाइन में ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई अल्फा नॉट क्यू बाई आर का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सो ई इज इक्वल टू के क्यू by r का होल स्क्वायर, where k is equal to permittivity constant, e is equal to k q by r का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो है आपका e is equal to k q by r का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड e is equal to k q by r का होल स्क्वायर at outside पे, when point p is outside the sphere, और हम लोग इसका सीक्वेंस केस अभी करेंगे जिसका है इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, सो इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन में हम लोग करते हैं 3। होलो स्फीयर में अपना नेक्स्ट केस बनता है केस बी, व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड द स्फीयर, जब पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड में हो, सो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग फर्स्ट कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, दैट इज गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर inside a sphere, inside a sphere passes through point P, okay, plus charge distributed है q uniformly, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, ये तो फिगर है, तो consider a गॉसियन सरफेस of radius r inside a sphere passes through a point P as shown in figure, there is no charge inside a sphere, sphere के inside में कोई charge नहीं होता, zero charge होता है, sphere के inside में जो charge होता है वो zero होता है, so proof कीजिए आगे, close integral of E vector into ds vector is equal to q inside by alpha naught, that is Gaussian law,
कॉस का लॉ है ये। और अगली लाइन में हम लोग करेंगे ई को बाहर लिया, फिर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस इज इक्वल टू क्यू इन साइड बाई अल्फा नॉट ई इंटू 4 पाई आर एफ स्क्वायर, बिकॉज स्फीयर है तो 4 पाई आर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाई अल्फा नॉट। अब 0 बाई अल्फा नॉट 0 कैसे आया, 0 इसलिए आया देयर इज नो चार्ज इन साइड स्फीयर, स्फीयर के इन साइड में कोई चार्ज नहीं होता है सो 0 होता है, सो स्फीयर के इन साइड में जो चार्ज है वो 0 है, सो 0 बाई अल्फा नॉट इज इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना जो होलो स्फीयर केस बी व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड स्फीयर इज इक्वल टू 0। सो ये नोट डाउन कीजिए आप, और अगले का जो बचा अपना तीसरा चौथा पांचवा वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और मैंने प्रत्येक मैं अपने प्रत्येक लेक्चर का और जिस मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सो पीडीएफ का भी आप लोग यूज करके पढ़िए। थैंक्स।